कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करे अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। कुल मिला के देखा जाए तो पेशेंट का जो हेल्थ एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको कम्युनिकेशन के द्वारा ही आप उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो पेशेंट को, समझ रहे हो। तो देखिए हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट को जो है वो मेंटली इल होता है, फिजिकली इल होता है, तो उसका समझने का जो पावर है, जो कैपेबिलिटी है, वो जो है कम होता है। तो आप जो है अपना स्किल बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएंगे, तो अल्टीमेटली उसके हेल्थ में जो है सुधार हो सकता है, समझ रहे हो। तो चलिए बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, है ना। तो कैसे हम एस्टेब्लिश कर पाए कम्युनिकेशन को अच्छे से, है ना, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हेल्थ, जैसे कि हमने पढ़ा, हेल्थ को सुधारने के लिए कम्युनिकेशन स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। पेशेंट का कंडीशन को सुधारने के लिए, उसके डिजीज को ठीक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक करने के लिए जो है कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, या आप बोल सकते हो सीधा हॉस्पिटल में, क्योंकि आप जो है डायरेक्टली पेशेंट के साथ डील कर रहे हो, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। तो बहुत सारे इसके नीड्स होते हैं, है ना, इसके बहुत सारे कम्युनिकेशन के नीड्स होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कैसे हम जो है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, पहले एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है, पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेशन, ठीक है, पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं, पेशेंट को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो, पेशेंट को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आ रहा है। पेशेंट को काउंसलिंग करके, पेशेंट को काउंसलिंग करके जो है हम जो है उसको सक्सेसफुल कम्युनिकेट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। उसके हेल्थ को डेवलप करके, हेल्थ डेवलपमेंट बोल सकते हो, हेल्थ डेवलपमेंट, समझ में आ रहा है। दूसरा चीज है रेजिंग ऑफ मोरल्स, अपना जो नैतिकता है उसको बढ़ा के जो है हम ये सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, है ना, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन को अंजाम दे सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं, काउंसलिंग हो गया, है ना, पहला एजुकेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, समझ लो, इंफॉर्मेशन हो गया, काउंसलिंग हो गया, और एक चीज है उसको हम बोलते हैं, पर्सुएशन, मीन्स इफेक्टिव एक्सप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं पर्सुएशन। तो ये सारे चीजें जो है हेल्प करते हैं सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए, है ना, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला जो है, चलिए बात करते हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन ये है कि पेशेंट को हेल्थ एजुकेट करें, है ना, साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करें, समझो, जो कि पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो, पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो, उसके हेल्थ का जो स्टेटस है वो अपग्रेड हो सकते, अच्छा हो सके, समझ रहे हो। तो ये इंफॉर्मेशन जो है साइंटिफिक
साइंटिफिक नॉलेज जो है वो पेशेंट को हम दे सकते हैं। तो ये हमारा प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी फंक्शन है किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, जो कि पेशेंट के जो हेल्थ है उसको कैसे इंप्रूव करे, तो हम इसके बदौलत जो है हम उसके उसका हेल्थ जो है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसको जो है हम अच्छी अच्छी जानकारी बता सकते हैं, उस डिजीज के बारे में बता सकते हैं, किस डिजीज जो है उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में बता सकते हैं, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, वायरस की वजह से हुआ है, उसके बारे में बता सकते, तो ताकि जो है वो प्रिकॉशन ले सके, समझ रहे हो। तो आप जो है अच्छे से उसको समझा पाओगे तो उसके हेल्थ स्टेटस पे जरूर इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, ताकि जो है उसमें से सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो सके। समझ में आ रहा है? तो ये होता है इंफॉर्मेशन। तो आपको जो है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो है वो शेयरिंग करना होता है पीपल को, पेशेंट को, है ना, पेशेंट के फैमिली को। फिर एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन जो है ना, द बेसिस ऑफ एजुकेशन इज कम्युनिकेशन। तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप जो है उसको एजुकेशन दे रहे हो, तो डायरेक्टली आप यहां कम्युनिकेशन के बदौलत ही किसी को आप एजुकेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें आसानी हो जाएगा। तो ये सीधा है, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तीसरा है मोटिवेशन, ठीक है। तो पेशेंट को यहां मोटिवेट करना होता है ना, उसका जो इंटरेस्ट है ना, उसका जो डिसीजन मेकिंग है उसको जो है सुधार करना होता है। तो उसको आप मोटिवेट करोगे तो उसको जो है बल मिलेगा उसके डिजीज को फाइट करने में, है ना, उसका जो अंडरलाइनिंग डिजीज है, जो जिस बीमारी से वो जूझ रहा है, तो मोटिवेट करोगे, है ना। मेनली कैंसर पेशेंट को देखा जाए तो कैंसर पेशेंट में जो है आत्मबल है ना वो जो है टूट जाता है, क्योंकि इतना केमोथेरेपी उनमें देते हैं, इतना ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, समझ लो उनका बाल झड़ जाता है, जब मिरर में देखता है पेशेंट तो वो जो है डीमोरल हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम जो है पेशेंट को मोटिवेशन देते हैं, ठीक है, ताकि जो है ये मोटिवेशन जब उसको मिले, है ना, तो जो है उसके हेल्थ स्टेटस में जल्दी से सुधार हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ जो है नीड्स होते हैं सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए, सारे नीड्स होते हैं, है ना, ये सारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सारे नीड्स या रिक्वायरमेंट जो है चाहिए रहता है, ठीक है। फिर होता है काउंसलिंग। तो इसमें क्या रहता है, इट इज ए प्रोसेस दैट कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड बेटर एंड डील विथ देयर प्रॉब्लम, ठीक है। तो काउंसलिंग जब होता है, जब पेशेंट जो है हॉस्पिटल में आता है तो नर्स हो गया, है ना, डॉक्टर्स हो गया, उसको भी पेशेंट काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है उसके कंडीशन, हेल्थ कंडीशन को जो है अच्छे बारीकी से समझा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग बोल सकते हो, यहां मैं लिख रहा हूं पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है। तो इसका कंडीशन को, पेशेंट का जो कंडीशन है, जो अंडरलाइनिंग डिजीज है वो कैसा है, उसको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको ट्रीटमेंट करना है, कम्युनिकेट करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है उस डिजीज के बारे में। तो ये जो है काउंसलिंग के अंडर आ जाता है, है ना। फिर हो जाए रेजिंग ऑफ मोरल्स, अपना नैतिकता को बढ़ाना है। हम जो है इंसान है, हमारा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, इंसानों का हेल्प करें, ठीक है। तो यहां जो है अपना नैतिकता, मोरल्स को जो है बढ़ाना होता है, तो इसके वजह से हम जो है सक्सेसफुल कम्युनिकेट कर सकते हैं उस पेशेंट को, ठीक है। फिर हो गया हेल्थ डेवलपमेंट। तो कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट या पावरफुल रोल अदा करता है हेल्थ डेवलपमेंट में, समझ रहे हो। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हेल्थ डेवलपमेंट में, आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, है उनके साथ जुड़ पा रहे हैं, तो जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छे से डेवलप हो सकता है उस पेशेंट का। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ जो है नीड्स होते हैं जो कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन को अंजाम दे सकते हैं।
ठीक है। तो ये कुछ नीड्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए यहाँ हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में जो है कम्युनिकेशन जो है दो तरह से चलता है, दो तरह से चलता है कम्युनिकेशन, इज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कम्युनिकेशन जो है लाइफ होता है और एंड ब्लड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कम्युनिकेशन के बिना जो है हॉस्पिटल चलाना इम्पॉसिबल है, समझ रहे हो। तो देयर आर टू मेजर डायरेक्शन, इसमें दो तरह के कम्युनिकेशन होता है आपके मेनली ऑर्गेनाइजेशन में, हॉस्पिटल्स में। एक होता है आपका वर्टिकल वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो हॉस्पिटल जो है बहुत लोगों को मिला के जो है बना हुआ होता है ना। पहला टॉप लेवल पे देखा जाए तो मैनेजर है ना, उसके बाद जो है सुपरवाइजर, ठीक है, उसके बाद जो है जो नर्स है मेडिकल स्टाफ है वो सारे आ जाते हैं, समझ रहे हो। तो वर्टिकल्स में क्या होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो कम्युनिकेशन करने का जो स्टाइल है, ये दो तरह के होते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो देखिए यहां मान लीजिए कोई सुपरवाइज कर रहा है, सुपरवाइजर या बोल सकते हो सुपीरियर है ना, सुपीरियर, और उसके नीचे आते हैं सब, इसके आते हैं सब ऑर्डिनेट्स, सब ऑर्डिनेट्स। एग्जांपल के तौर पर मैं लूंगा यहां मैनेजर, मैनेजर को, ठीक है, मैनेजर जो है सुपरवाइजर को बोलता है, इंस्ट्रक्शन देता है, इंफॉर्मेशन देता है सुपरवाइजर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक ऊपर लेवल के इंसान से नीचे लेवल के इंसान को जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डाउन वर्ड कम्युनिकेशन, डाउन वर्ड कम्युनिकेशन। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है ये एक वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, समझ रहे हो। और एक रहता है जिसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, यहां सुपीरियर या बोल सकते हो जो मैनेजर है ना, और यहां जो सबऑर्डिनेट्स हैं, सबऑर्डिनेट्स, तो यहां क्या हो रहा है, यहां सबऑर्डिनेट्स से सुपीरियर्स को कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां सुपीरियर मींस सुपरवाइजर से मैनेजर को यहां कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग हो रहा है सुपरवाइजर से मैनेजर को, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये दोनों जो है अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, है ना, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा एक वर्टिकल कम्युनिकेशन और दूसरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो इसमें हमने पढ़ा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें जो है सुपीरियर और सब कोऑर्डिनेट्स जो है वो नहीं रहते, इसमें जो है
मेडिकल स्टाफ के बीच जो है अब वापस में कम्युनिकेशन होता है। तो मान लीजिए यहाँ एक बंदा दूसरे बंदे को जो है कम्युनिकेट कर रहा है और दूसरा बंदा तीसरे बंदे को जो कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये हॉरिजेंटल वे में कर रहा है। तो ये जो है, ये जो फ्लो है, ये जो कम्युनिकेशन का फ्लो है, तो ये होता है हॉरिजेंटल। इसको हम हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। बट वर्टिकल में क्या हो रहा था, ये ऐसे हो रहा था, ये ऐसे हो रहा था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रहा था, डाउनवर्ड या अपवर्ड वे में, फ्लो में जो है कम्युनिकेशन हो रहा था। बट हॉरिजॉन्टल फ्लो में क्या हो रहा है, ये जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है, जिस स्टाइल में कम्युनिकेशन होता है, वो तो दो तरह के होते हैं, एक वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, है ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो ये सारे चीजें जो है हम डिस्कस किए हैं इसके अंदर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, हम कैसे सक्सेसफुल कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर पाए, समझ में आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल, और इसको कभी कभी हम क्रॉस कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, क्रॉस कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और क्रॉस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस यूजुअली बिटवीन द इक्वल एट एनी लेवल, है ना, इक्वल एट एनी लेवल। मान लीजिए नर्सेस के बीच जो है ये कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मान लीजिए ये डॉक्टर्स के बीच जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स के बीच जो है अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। बट यहाँ मान लीजिए यहाँ मैनेजर है, ठीक है, और यहाँ सुपरवाइजर है, ठीक है, इसके बाद में आपका आ जाएंगे नर्सेस आ जाएंगे, है ना, इसमें केयर टेकर आ जाएंगे, तो इसमें बहुत सारे जो है जो लोअर लेवल पे काम करते हैं। तो ये जो है कम्युनिकेशन जो है ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो इसमें मैनेजर एक ही रहेगा, सुपरवाइजर उससे ज्यादा रहेंगे, है ना, और उससे ज्यादा जो है नीचे लेवल के पीपल्स जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल रहेंगे। तो ये जो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन, समझ में आया। तो ये होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। तो होप आपको समझ में आया ये। तो यहाँ जो है यूनिट वन खत्म होता है, है ना, यूनिट वन जो है आपका खत्म होता है। हम पढ़ेंगे यूनिट टू के बारे में, वो होता है हेल्थ एजुकेशन क्या है, हेल्थ एजुकेशन क्या है।